तो ये दोनों से नहीं जमेगा खाने, तो मैं डायरेक्टली हाथ से खाती हूँ। दिस इज अ फेमस पारसी डिश। सो गाइस, पारसी होटल में आए हैं तो ये कैसे बोल सकते हैं। प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल विन विद मी। माय नेम इज सपना जाधव एंड आज हम लोग आप लोग लिए नया व्लॉग लेकर आए हैं एंड दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी ऑन फूड। आज का लोकेशन है फोर्ट मुंबई और ये प्लेस बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इट्स अ विंटेज प्लेस एंड इट इज ओन्ड बाय अ पारसी ओनर। यस दैट्स करेक्ट, द रेस्टोरेंट इज पारसी एंड यहाँ के पारसी डेलिकेसीज बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन हियर। तो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वी ऑल्सो हैव आर पेज ऑन इंस्टाग्राम नेमली विन विद विन, तो फॉलो ज़रूर करना क्योंकि हम लोग वहाँ पर डेली अपडेट्स देते रहते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1923, दैट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी ज़्यादा विंटेज रेस्टोरेंट है, यहाँ का एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा लाइवली है। आप लोग एक बार चेक कर लो एम्बियंस। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइज, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हम लोग कोई भी प्लेस में जाते हैं तो विदाउट परमिशन कवर नहीं करते। तो व्हेन वी आस्क परमिशन फ्रॉम देम, सो दे वर बिट डाइसी अबाउट इट, क्योंकि कुछ व्लॉगर्स हैं जो यहाँ पर आकर इन्होंने इनका प्लेस कवर किया था बट रिव्यू में फिर क्रिटिसाइज वगैरह किया था इनके प्लेस को। लेकिन हमने क्योंकि प्लेस कवर किया है तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिले हैं इनको जोमेटो एंड ऑल के तरफ से। हमको पर्सनली भी ये जगह बहुत अच्छा लगा और इन्होंने फिर हमारा बाद में चैनल वगैरह देखा जिसमें आप लोग ने बहुत अच्छे कमेंट्स वगैरह दिए हैं, लाइक्स दिए हैं और कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं हमको, जिस बेसिस पर इन्होंने हमको फिर कैप्चर करने के लिए दिया। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे पारसी डिशेस जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग ने 3 डिशेस ऑर्डर किए हैं, स्टार्टिंग विद स्टार्टर एंड देन 1 मेन कोर्स एंड देन 1 डेजर्ट। वी आर गोइंग टू कीप इट सिंपल, तो लेट्स सी डिशेस कैसे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने एक स्टार्टर ऑर्डर किया है। तो द स्टार्टर वॉज चिकन कटलेट, सो दिस इज़ आर चिकन कटलेट। अलॉन्ग विद द चिकन कटलेट वी हैव गॉट केचप, रेड केचप। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बट बिफोर टेस्टिंग आप लोग देख सकते हो चिकन कटलेट का साइज़ बहुत ही बड़ा है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इतना बड़ा चिकन कटलेट होगा। तो लेट्स सी कैसा होता है। आप लोग देख सकते हो गाइस कितना बड़ा चिकन कटलेट है, बिल्कुल मेरे हाथ के साइज़ जितना है। दिखने में भी बहुत टेस्टी दिख रहा है, लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, मेरे को ये दोनों से नहीं जमेगा खाने, तो मैं डायरेक्टली हाथ से खाती हूँ। फिल्ड विद चिकन, अच्छा है टेस्ट, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है चिकन। चिकन इज़ वेरी मच टेंडर एंड सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है टेस्ट। एंड एक्स्ट्रा अंदर स्टफिंग में कुछ भी नहीं दिखा है अपार्ट फ्रॉम चिकन, तो विच आई लाइक इट क्योंकि पैसा तो वसूल होना चाहिए। बहुत अच्छा, गाय
is our main course is chicken berry pulao. This is a famous Parsi dish. So guys, यहाँ पे चार वैरायटी के बेरी पुलाव हैं. दैट इज वेज बेरी पुलाव, चिकन बेरी पुलाव, मटन बेरी पुलाव एंड प्रॉन्स बेरी पुलाव. क्योंकि मैं चिकन लवर हूँ तो मैंने चिकन बेरी पुलाव ऑर्डर किया है. तो ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पारसियों का फेमस डिश है. तो लेट्स सी कैसा है. टेस्ट इज यम. ना ही ज़्यादा मसालेदार है, ना ही एकदम फीका है. इट इज़ जस्ट परफेक्ट. इनका कुछ अलग मसाला है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. स्पेशली यू कैन सी देर आर टू टाइप्स ऑफ चिकन दे हैव पुट. वन इज़ नॉर्मल मसाले वाला एंड अलग से ये लोग ने चिकन बॉल्स भी डाले हुए हैं. तो गाइस ये पुलाव जो एक अलग सा टैंगी फ्लेवर दे रहा है एंड दैट टैंगी फ्लेवर इज़ ड्यू टू दिस बेरीज. एज यू कैन सी ऊपर से लोग ने बेरीज डाले हुए हैं. ये बेरीज की वजह से एक टैंगी फ्लेवर आ रहा है पुलाव में, विच इज़ क्वाइट कूल. सो गाइस यहाँ पर आए हैं तो ये कैसे भूल सकते हैं. दिस इज़ व्हाट. सो गाइस पारसी होटल में आए हैं तो ये कैसे भूल सकते हैं. दिस इज़ रास्पबेरी सोडा विच इज़ क्वाइट फेमस इन ईच एंड एवरी पारसी होटल. तो मस्ट ट्राई दिस अलॉन्ग विद योर फूड. वी हैव ऑर्डर्ड कैरमल कस्टर्ड बिकॉज इट इज़ क्वाइट फेमस इन एवरी पारसी रेस्टोरेंट. द टेस्ट इज़ क्वाइट गुड, फ्रेश है और अच्छी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. सो गाइस द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड. हमारा खाना ख़त्म हो चुका एंड वी आर रेडी टू पे आर बिल. But I would like to mention one thing. You have to pay bill only via cash. No GPay, no credit card, no debit card is allowed. So make sure जब भी आप लोग यहाँ पर आओ तो cash ज़रूर carry करना. So guys, हमारा dinner ख़त्म हो चुका है and the food was good overall. But एक ही चीज़ लगी कि caramel custard का price थोड़ा ज़्यादा था. But taste was up to the mark. So that was also nice. I would like to rate the overall restaurant on basis of four parameters. So first is food. So I would like to rate food 4.5 out of 5 and the overall ambience I would like to rate on 4.5 out of 5 and uske alawa the price 4 out of 5 and the service is also 4 out of 5. So this was my personal rating. Agar aap logo ko yahan par visit karna hai to aap log personally aakar explore karo. I would definitely recommend this place to visit. Agar aap logo ko content acha laga ho so please do like share and subscribe to our channel because aap log ka subscription hi hamara motivation banta hai. So keep supporting and keep watching the video. Thank you.